मन की पूर्ण त्याग भाव ना हो तो योग लीन कैसे होंगे? मन योग लीन होंगे तब ईश्वर से पहचान होंगे, भगवान को जानेंगे। ये सारे अवस्था अंदरूनी दिया हुआ है जो तुम्हें गुरु में दिखते हैं, इसलिए वो महामंत्र गुरु की उत्सर्ग किया गया है, जिसमें यही कहा जाता है जो ये मन में ये शिव अवस्था ब्रह्मा जो क्रियान्वित होता है, वेद की ज्ञान देते हैं वो अवस्था, यानी सनातन सत्य की शुरुआत की सत्य, तुम्हारी जन्म की सत्य बताते हैं। और जहाँ से तुम आए हैं उस स्पंदन वो अनंत, उनको तुम्हारे मन छूता है तो ये विष्णु ब्रह्मा महेश्वर ये तीनों अवस्था खुद में ही बसता है। अहम बुद्धि का त्याग ना हो, कर्ता भाव का त्याग ना हो तो कभी योग नहीं होगा। युक्त होने के लिए, तुम्हारी स्वास्थ्य तुम्हारे शरीर में जीवनदायी हो के युक्त होने के लिए पहले एक श्वास छोड़ना पड़ता है। तो तुम्हारी जो वासनाएं हैं, इतना दिन की जो प्रवृत्ति है, जो छोड़ के तुम चल नहीं सकते, जिस ढंग की व्यवहार तुम ना चाहते भी कर देते हो, और भी इफेक्टिवली एफर्ट देना पड़ेगा कि तुम शुद्धता ला पाओ। गुरु सानिध्य में जो होता है तब तुम्हारी मन शिव अवस्था के थ्रू नहीं जाता है, शिव अवस्था अर्जन करना पड़ता है साधना के द्वारा। जो उनके सामने होता है वो आनंद के आभास हो जाता है, वो परमात्मा की आभास हो जाता है, लेकिन बिना साधन वो तुम खुद नहीं कर पाते। इसीलिए गुरु सान्निध्य थोड़ी दिन ना मिले तो तुम्हारी मनोदशा क्या होता है तुम्हें भी समझ नहीं आता। जब तुम्हें समझ आता है तब तो बहुत दूर हो चुके होते हो तुम। बिना साधना ये यात्रा कंप्लीट होता ही नहीं है, और साधना की मूल तुम्हारी स्वभाव की त्यागना, हैबिट्स में जो बैठ गया है, जो मलिन है, जो तुम्हें शुद्धता रखने देता नहीं है। समय तो लगता ही है, कौन सी पढ़ाई में समय नहीं लगता। और एक एक मुखिता, मुझे साधना करना है, मान्यता में करना है, ये एक मुखिता आज किया कल छोड़ा, ऐसा नहीं।